हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज 12th बेस में मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, एनबीएस, एनडीए, एयरफोर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको इसका बेसिक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज के डिस्कस कर दिए थे। आज बात करते हैं और इनके मिक्सअप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में, हर स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जीआईसी हो, एलटी हो। ठीक है, ये यूपी टीजीटी, यूपी टीजीटी, टीजीटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप चैनल पर देखें अच्छे से, इजी वे में इसको कराते हैं। सम ऑफ द सीरीज दिस इज इक्वल टू, तो कितने दिया है हमारा, देखो इसको हल करने का प्रयास करते हैं। log 24 माइनस log 28 प्लस log 216 माइनस अप टू सो ऑन। इसको थोड़ा सा उलट के लिख लें, देखो इसको अपॉन में लिखेंगे तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ओके, log 82 प्लस log 16 2, ओके माइनस अप टू सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log 2 टू दी पावर 2 माइनस 1 अपॉन log 2 टू दी पावर 3 2 प्लस 1 अपॉन log 2 टू दी पावर 4 माइनस अप टू सो ऑन। एक आइडेंटिटी होती है इसकी, log e बेस e इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। यहां पर इसको अपॉन आगे आ जाता है, log n पे पावर n 1 बाई 2, log e 1 हो जाएगा माइनस। देखो ये जो वैल्यू है ये पावर आगे आ जाती है, तो 1 2 तो आगे आ जाएगा, log 2 2 1 हो जाएगा माइनस, इसमें 1 बाई 3 आउट आ जाएगा और log 2 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 1 बाई 4 आगे आ जाएगा, इसमें माइनस अप टू सो ऑन हो जाएगा। और ये एक्सपेंशन हमारा बन जा रहा है किसका, इसमें हम एक ऐड कर दें, एक सबट्रैक्ट कर दें। ठीक है, एक को ऐड कर दें और एक सबट्रैक्ट कर दें, तो वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 अप टू सो ऑन। यहां से देखो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बच जाएगा कितना, 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये लॉग x की जगह क्या है, 1 है, तो 1 माइनस लॉग 2 का वैल्यू होता है, ये वाले पिछले लेक्चर में बताया था 1 प्लस 1 का वैल्यू है ये, तो 1 माइनस लॉग 2 इसका आंसर हो जाएगा। यह साइलेंट रहता है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां ये वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है, ये वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है, ये वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो आप इजीली इसको क्वेश्चन को कर लेंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन था, इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, आप लिख लें इसे। ठीक है, हाँ अब देखो इसको इरेज करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चैनल पर रेगुलर रहें, वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। ओके, क्वेश्चन सेकंड पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखते हैं। जब द वैल्यू ऑफ 2 टू दी पावर x माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 x माइनस 1 का क्यूब अप टू सो ऑन। देखो पहली बात तो इसमें फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल फ्री जो एक्सपेंशन होता है वो लॉग का होता है हमारा और टेन का होता है, बाकी सब में फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 एक्स माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस अप टू सो ऑन।
तो ये कहीं ना कहीं इसको थोड़ी देर के लिए एस लॉग वन प्लस एक्स, पिछले लेक्चर में हमने बता दिया है एक्स माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर वन बाई थ्री एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। अब x की जगह हम कैपिटल कितना है हमारा ये लाख वन प्लस x की जगह x माइनस वन है, x माइनस वन है, x की जगह हमारा क्या है x माइनस वन है, बस खत्म। वन से बन गया लाख, x बच जाता है और ये हमने बताया है ये दोनों सेम वैल्यू क्या x, दिस इज आंसर। ओके सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी log x और a to b, तो x equals to a to the power b। ओके ये आप नोट कर लें, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट था, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिख लें आप, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके अच्छा क्वेश्चन लेंगे आपका, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। ओके एक क्वेश्चन और लिखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों ही सीरीज के क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन थर्ड की बात करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, आया हुआ क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या लिखा है, इफ बाई कोष्टक टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन, ये दिया है तुम्हारा है, देन 2 अपॉन y प्लस 2 अपॉन 3 y क्यूब प्लस 2 अपॉन 5 y क्यूब 2 अपॉन 5 y 4 by 5 ठीक है 5 by 5 प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल्स टू अप टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे लिखें, ठीक है। ए ऑप्शन दिया लॉग वन प्लस एक्स, लॉग वन प्लस एक्स, बी ऑप्शन दिया है इन्हने लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन क्या आया है पेपर में, कितना आया है लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीस कह रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको देखो करते हैं। ओके तो देखो ये कंडीशन दी है हमें, ओके यहां से हम देखो इसको कॉल करने का तरीका, इसमें से हमने दो को आउट कर लिया, वन अपॉन बाई बचता है वन बाई थ्री और वन अपॉन बाई का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस वन बाई फाइव, वन अपॉन बाई का होल फाइव लिख सकते हैं से प्लस अप टू इंफिनिटी, ये ऑड किस में जाता है हमारा लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स होता है, ये कितना होता है हमारा लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स की कंडीशन बनती है, वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, पिछले लेक्चर में हमने रिजल्ट लिखवा दिया है एज एक्स इक्वल टू वन अपॉन बाई है हमारा, इसमें भर दीजिए लॉग वन प्लस बाई की जगह वन अपॉन बाई अपॉन वन माइनस बाई, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये बाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन बाई स्क्वायर माइनस वन, दिस इज आंसर एक्स के टर्म में है, तो यहां से बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बाई इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। या वैसे इजीली तो यही रहता
यहां वन अपॉन वाई का डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन वाई हो जाएगा ना। तो यहां डायरेक्टली हम लिख दें क्या, देखो लॉग एक्स के टर्म में तो लाना है, वन अपॉन वाई की जगह लिख दें हम टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन। इससे ये कट ऑफ हो जाएगा, इससे ये कट ऑफ हो जाएगा और ये बच जाएगा तुम्हारा लॉग टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस टू एक्स स्क्वायर टू कॉमन लेके कट ऑफ हो जाएगा टू वन माइनस एक्स स्क्वायर टू से टू कट ऑफ, तो ये बन जाता है लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे क्वेश्चन और लिखते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है लिख लें इजीली, ये कंडीशन दी थी वहां से बाई का मान हमने इसमें भर दिया है। ओके देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। ओके हाँ तो देखें इसको अरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर फोर लिखते हैं पहले। देखो क्वेश्चन फोर को लिखते हैं, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। कितना दिया है, सम ऑफ थ्री लॉग टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई टू और वन बाई फोर का स्क्वायर, ठीक है प्लस वन बाई थ्री और वन बाई फोर का होल क्यूब माइनस अप टू सो ऑन इज इक्वल्स टू ए ऑप्शन थ्री लॉग टू ए ऑप्शन है थ्री लॉग टू बी ऑप्शन है लॉग टेन सी ऑप्शन है कितना, सी ऑप्शन कितना है लॉग फाइव लॉग सेवन, एक लॉग फाइव दिया है अगला डी ऑप्शन लॉग सेवन दिया है बेस थ्री। ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इजी क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लिखें लॉग टू है यहां, ठीक है देखो इसको करने में प्रयास करते हैं, यहां से कोई सीरीज डेवलप हो रही है देखें, तो इसको लिखें थ्री लॉग टू प्लस, देखो घूरो इसे देखो सीख से देखो वन बाई फोर वन बाई फोर एक्स वन बाई टू वन बाई फोर का स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री वन बाई फोर का होल क्यूब माइनस अप टू इंफिनिटी। ये प्लस माइनस अल्टरनेटली लॉग वन प्लस एक्स में चलता है और एक्स की जगह हमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है लॉग वन प्लस एक्स, एक्स की जगह वन बाई फोर है, एक्स इक्वल टू वन बाई, इसको सिंप्लीफाई कर लें थ्री लॉग टू और ये बन जाता है लॉग फाइव बाई फोर, ठीक है फाइव बाई फोर। अब इसको इजीली लिखें, इसका मतलब लॉग एट होता है, इसका मतलब लॉग एट होता है, ठीक है ये थ्री लॉग टू है आपका और ये लॉग फाइव है, लॉग एम अपॉन एन वाली प्रॉपर्टी लगा दें, फोर को लिख दिया टू टू दी पावर टू और ये थ्री लॉग टू प्लस लॉग फाइव माइनस टू पावर, ये लॉग की सिंपल प्रॉपर्टी एम पर पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम, ओके एन लॉग एम और एक ये बन गई और एक प्रॉपर्टी लगाई है हमने एम अपॉन एन माइनस भाग माइनस में चेंज हो जाता है। ओके तो ये टू लॉग टू
कितना बच जा रहा है ये, देखो ये 3 1 बन जाएगा, ये log 2 बचेगा ये और ये, और प्लस log 5। ये आंसर तुम्हारा किस वे में दे रहा है, log m प्लस m की प्रॉपर्टी तुम्हारी, mn इक्वल्स टू log m प्लस log n, log n। तो ये log 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 इक्वल्स टू log 10। दिस इज आंसर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा वक्त लगता है इनमें, लेकिन एग्जाम में आप इसीलिए इन्हें जल्दी कर पाएंगे। ओके, लिख लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ इसको अरेंज करते हैं भाई। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका, फिफ्थ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं उसके बाद। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, द वैल्यू ऑफ log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री, log 1 डिग्री, log 2 डिग्री अप टू log 10 2 अंश प्लस अप टू प्लस log 10 89 डिग्री इज इक्वल्स टू। अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया है 1, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 10 1 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीस। NOT पावर n, ठीक है, ये ऐसे करके आंसर दिए हैं इसके। तो ये टाइड पीजीटी का क्वेश्चन है, टाइड पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, टाइड पीजीटी का क्वेश्चन है। अब देखो ये कई बार यूपी टीजीटी में भी पूछा गया है, तो एक रूलिंग रहती है, नोट में लिख लेना, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल्स टू 1 होता है इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 हो। तो देखो इससे पहले वाला टर्म लिखेंगे तो 88 आएगा, तो देखो ये और ये मिला दे तो 90 हो जाता है, और ये मिला दे तो 90 हो जाता है। तो बीच के सभी वैल्यू, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, दिस इज आंसर। ओके, तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं log 1 और log 1 क्या आ जाता है, log 1 क्या आएगा, log 1 मीन्स 0, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, log लगाया ना उस पर, log लगा होगा तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब देखो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आप इसको लिख लें, ये तो कंसेप्ट है सीधा सीधा, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 का वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 होता है जब, अब देखो log m प्लस log m प्लस log m, पहले इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे ना हम, ऐसे करके log tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 अप टू tan 89, ठीक है, तो ये इसके साथ चला जाएगा, और tan 88 ये इसके साथ चला जाएगा, tan 87 ये इसके साथ, तो 1 इंटू 1 आएगा, और ये log 1, और log 1 का वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, 0, log 1 का वैल्यू 0। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, उसको भी लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन 6 को लिखते हैं पहले, आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा आया है वैसा ही लिखेंगे। ये कह रहा है इफ n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n, इफ n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n दिया है, n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n, और नेचुरल नंबर s फैक्टोरियल n का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये होता है, ठीक है, बेयर n बिलोंग्स टू, बेयर
n इज ग्रेटर टू, n इज ग्रेटर टू इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नेचुरल नंबर, देन देन क्या कह रहा है फिर, देन वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ कितना, वन अपॉन लॉग एन टू, वन अपॉन लॉग एन टू प्लस वन अपॉन लॉग एन थ्री है कितना, एन थ्री प्लस वन अपॉन लॉग एन फोर प्लस अप टू प्लस वन अपॉन लॉग एन एन इज इक्वल्स टू, ये ऑप्शन दिए हैं इसके 0 1 फैक्टोरियल n, ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन दिया है 1, सी ऑप्शन दिया है फैक्टोरियल n, डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस n ओ टी। ये टाइम टीजीटी का क्वेश्चन है और यूपी टीजीटी में कब पूछा गया है, यूपी टीजीटी में ये पूछा गया है तुम्हारा 5 में, 05 2005 का क्वेश्चन है, ये 2015 का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप इजीली क्या कर लें, इसको अलग अलग कर लें, ठीक है, इसको अलग अलग कर लें, ओके। देखो इसको उलट लें, उल्टा लिख लें, 2 अपॉन एन प्लस 3 अपॉन एन प्लस और क्या लॉग 4 अपॉन एन प्लस अप टू प्लस लॉग एन अपॉन एन, ओके। अब लॉग एन प्लस लॉग एन प्लस लॉग एम, लॉग एम एन लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू एन तक, इसको क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं, फैक्टोरियल वन नहीं है तो ये तो साइलेंट ही रहता है, और फैक्टोरियल एन तुम्हारा किसके यूकल है, एन के, जब जब दोनों ही पोजीशन ये सेम होती है तो उसका मान क्या रहता है हमारा, वन। दिस इज आंसर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो देखो हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, वो सभी डिस्कस कर दिए हैं, आपने अच्छे से करें, स्क्रीनशॉट लें, चैनल पर रेगुलर रहें, वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, ठीक है। अब अगले वीडियो में और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से बात करें, ट्रिक जो जो बन सकती है आपकी, हर चैप्टर में ट्रिक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन लगवाए हैं, ठीक है, वैसे लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, हमें तो परीक्षा में समय बचाना रहता है क्योंकि पेपर लेंथी आता है, ठीक है। तो आप देखें, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ओके बाय।